और अभी तक आप लोग बहुत ज्यादा थक भी गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। और जो मेरे भाई जिनको सुनना चाहिए था वो थोड़ा इधर उधर हो गए, थक गए, पक गए ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन हम लोगों को पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। आदिवासियों के संदर्भ में जब भी कोई राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य सम्मेलन या जिला सम्मेलन होता है तो वहां पर समस्याओं का बखान होता है। समाधान क्या है उसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। ये बात मुझे लगता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए मीठी गोली आज तक किसी बीमारी के लिए नहीं बनी। इंजेक्शन भी लगाना है तो दर्द होगा, गोली भी खानी है तो कड़वी लगेगी, और मैं कड़वी ही बात बोलने के लिए जाना जाता हूं। तो क्या थोड़ा सा इंजेक्शन सहन करने लायक है आप? धन्यवाद। अब हमने देखा 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि 6000 साल से आदिवासियों के साथ शोषण, दमन, उत्पीड़न हो रहा है। तो क्या हम अगले 6000 साल के लिए तैयार हैं? अगले 6000 साल बाद इस धरती पर आदिवासी बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। देश आजाद होने से पहले आदिवासी संगठित था, आदिवासी आत्मनिर्भर था, आदिवासी स्वावलंबी था। 75 साल में 5 किलो अनाज का मोहताज हो गया है। 5 किलो अनाज का मोहताज हो गया, 1 हैंडपंप का मोहताज हो गया, 1 BPL आवास का मोहताज हो गया, और डेमोक्रेसी की बात करो 1 पोटली का मोहताज हो गया। पोटली का डेमोक्रेसी इस देश में रूल ऑफ लॉ है। यदि रूल ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लागू हुए होते। हुए क्या? समता जजमेंट लागू हुआ क्या? वीरेंद्र जजमेंट लागू हुआ क्या? कौन सा जजमेंट लागू हुआ बताइए मेरे को। यदि इस देश में रूल ऑफ लॉ है तो हमारे सांसद, हमारे विधायकों को अपनी मर्जी से वहां बोलने का हक होता। क्या हक है? क्या वहां पर बोलते आदिवासी के अनुरूप? नहीं बोलते। आदिवासियों के संदर्भ में जितने कानून बने, कौन सा कानून लागू हुआ? आज SC ST एक्ट के विरोध में काम हो रहा है, कौन सा नेता बोला? कौन सा सामाजिक कार्यकर्ता बोला? क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान में अनाप शनाप मेट्रो सिटी हुआ 2 साल में, अनाप शनाप। कौन बोला? कौन पॉलिटिकल लोग बोला? कौन सामाजिक कार्यकर्ता बोला? ये बात जानना समझना जरूरी है। अब लोकतंत्र के 4 पिलर माने जाते हैं। आज न्यायपालिका के ऊपर एक समाज का कब्जा है। एम आई राइट? क्या गलत है? गलत है तो मैं बैठ जाऊंगा अभी।
मीडिया हाउस पर, दूसरा पिलर मीडिया हाउस पर एक ही समाज का कब्जा है। जिसका न्यायपालिका में कब्जा है उसी का मीडिया हाउस पर कब्जा है। एम आई राइट? तीसरा, कार्यपालिका 79% कार्यपालिका पर एक ही समाज का आज की तारीख में कब्जा है। क्या यह बात गलत है, राइट है? चौथा बचा व्यवस्थापिका, तो आदिवासी ने निर्णय करके, आदिवासी ने निर्णय करके एक भी विधायक सांसद भेजा क्या? और ईवीएम आने के बाद गुजरात का चुनाव की हालत देख सकते हो। मैं मानता हूं चारों चार पिलर प्राइवेट हो गए हैं, निजीकरण आ गया है। इस देश में डेमोक्रेसी हाइड हो गई है और हम कह रहे हैं पृथ्वी को बचाएंगे। है? अरे भैया हम तो बच ले, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीवन मूल्य का कोई मोल नहीं है। ये जीवन मूल्य हमारी जान से प्यारा है कि पृथ्वी को बचाना चाहिए। ये पूरे जीव जगत का मसला है, इसको हम नकार नहीं सकते, उसको सर आंखों पर रखते हैं हम लोग। लेकिन इधर भी तो देख लीजिए, वो मुर्गी क्या कर रही है, क्या कर रही है मुर्गी? मुर्गी गुस्से में आई है कि नहीं आई है? तो आदिवासियों का गुस्सा कब आएगा? 6000 साल से गुस्सा नहीं आया, पिछले 75 साल में सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी गुस्सा नहीं आया, कब आएगा? और मैं गुस्से की भी बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं डेमोक्रेसी की। हमने प्रकृति में सिद्धांत देखा, प्रकृति प्रदत्त, ये मैं अपनी बात नहीं करता, प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत देखा। क्या सिद्धांत देखा? एक सियार या कुत्ता भेड़ के बच्चे को खाने आता है तो भेड़ क्या करती है? सबसे भोला जीव माना जाता है भेड़, सबसे भोला जीव। तो वो भेड़ भी सियार या कुत्ते के सामने लड़ने के लिए तैयार होती है? या अनपढ़ आदिवासियों ने जाना था, सीखा था? हम पढ़े लिखे लोगों ने इससे कोई सबक सीखा क्या? सीखा क्या? नहीं सीखा। ये मुर्गी का उदाहरण, आपका बिल्ली है वो काटने आ रही है तो वो गुस्सा हो रही है, और मेरे भाई पेंटर घोसा जी ने पृथ्वी को भी गुस्से में दिखाया है, तो थोड़ा सा गुस्सा में कर लूं क्या? जायज है क्या? प्रकृति का सिद्धांत है, मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कल 13 तारीख को तिलका मांझी का शहादत दिवस था। तिलका मांझी ने जो आंदोलन लड़ा, क्या वो आंदोलन आदिवासी नेतृत्व में भी था या नॉन ट्राइबल के नेतृत्व में था? स्वतंत्र आंदोलन था, ट्राइबल के नेतृत्व में, तिलका मांझी के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन था। दूसरी बात, उसी के बाद में बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ, वो भी स्वतंत्र आदिवासी लीडर के नेतृत्व में आंदोलन था। सही है गलत है? इधर नायक आंदोलन देख लीजिए, पंचमहाल का, ये छोटा उदयपुर के पास में 1868 का, वो भी जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन था। इधर भीमा नायक का आंदोलन देख लीजिए, वो आंदोलन भी आदिवासियों का स्वतंत्र था,
किसी दूसरे के नेतृत्व में नहीं था। टंट्या भील का आंदोलन देख लीजिए, वो भी स्वतंत्र आंदोलन था, स्वतंत्र आदिवासियों के नेतृत्व में आंदोलन होने की वजह से हमको हक अधिकार मिले। हमारे राजस्थान की बात करो, यानी दाहोद से आगे की बात करो, तो 1881 में पहला आंदोलन फुले बागसी का हुआ था। वो आंदोलन हमारी सामाजिक लीडरशिप कमेटियों के नेतृत्व में, आदिवासियों के मुखियों के नेतृत्व में हुआ था, यानी वो भी आंदोलन लीडरलेस नहीं था। इसके बाद संत सुरमाल खराड़ी का भगत आंदोलन हुआ, वो भी मैट कोटवालों के नेतृत्व में हुआ, वो भी लीडरलेस नहीं था। और इसके बाद मानगढ़ का आंदोलन, जिसको संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन कहते हैं, उसमें भी 1,80,000 मैट कोटवालों का आंदोलन था, तब जाकर के हमको हक अधिकार मिले। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस गांव से आया हूं वो संत गोविंद गुरु महाराज का ही गांव है। मेरे ही गांव ने 6 साल तक गोविंद गुरु को रोटियां खिलाई, और वो आंदोलन शुरू हुआ था 1881 में। याद रखिए, 1881 में हमारे भक्तों का संगठन था। और कांग्रेस कब बनी, ये इंजेक्शन है, 1885 में। तो आदिवासियों की लीडरशिप है वो सीनियर है और कांग्रेस जूनियर है। आदिवासियों की लीडरशिप सीनियर है, कांग्रेस जूनियर है। और देश में आदिवासियों की स्वतंत्र लीडरशिप का सबसे पहले कांग्रेसीकरण हुआ। इंजेक्शन नंबर 1। और इसी कांग्रेसीकरण से संघीकरण हुआ, नंबर 2 इंजेक्शन। और इसी संघीकरण से 5वाँकरण हुआ, नंबर 3 इंजेक्शन। और आदिवासी नेता बनने लगे, लीडर नहीं रहे। और नेता भी कैसे, जो दूसरे सेलेक्ट करते हैं और आदिवासियों को थोप देते हैं, लो तुम्हारा नेता। 75 साल से हम लोग, आज तक हमारा एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, उसका निर्णय लेने लायक नहीं बने। इस देश में सबसे लायक कोई कौम है, आदिवासी है। इस देश के अंदर सभी वनस्पति में क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, उसका ज्ञान भी आदिवासी ने सबको दिया। दवाइयों के मामले में हम देखते हैं तो कौन सी वनस्पति से कौन सी दवाई बनती है, इसका ज्ञान सबसे ज्यादा आदिवासी को है। और आदिवासी अहिंसक कौम है। आज भी इस देश के निर्माण में सर के देख लीजिए, आपका डैम देख लीजिए, सबके निर्माण में आदिवासियों का रोल है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, केवड़िया क्यों नहीं बचा पाए, हसदेव क्यों नहीं बचा पाए, पारसनाथ में क्या हो रहा है, आपका ये कॉरिडोर बन रहा है क्या हो रहा है, ये बुलेट ट्रेन हो रही है क्या हो रहा है, देख लीजिए, ये निवेश क्षेत्र के नाम पर रतलाम में क्या हो रहा है, रतनमाल में क्या हो रहा है, हमारा काकरी डूंगरी में क्या हुआ, कार्तिक भील के साथ क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या होगा। एक ही समाधान बचा है, सिंगल समाधान।
और वो समाधान कितना भी बुरा लगे मैं कहने ही वाला हूं, एक ही समाधान है, सिंगल डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ को मानते हो तो इस देश में जो निर्णय करने वाली संस्थाएं हैं जिनको हम लोग विधानसभा कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, वहां आदिवासियों के द्वारा सेलेक्टेड और इलेक्टेड जनप्रतिनिधि जाना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ध्यान दीजिए, इलेक्टेड तो कर रहे हो, सेलेक्टेड आप नहीं कर रहे हो, तो आपको ही सेलेक्टेड करना है, आपको इलेक्टेड करना है और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में आपको जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमको सत्ता के मंदिरों में कब्जा करना होगा, सत्ता के मंदिरों पर, और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है उसका अपना फार्मूला हमको बनाना चाहिए, आज की पार्टियों के समान फार्मूला नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, आपने मेरी बात सुनी, कड़वी कड़वी बातें सुनी, माफ करना, पहली बार राजस्थान से इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ आए हैं, इसलिए मैंने बोला आगे से नहीं बोलने दो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छींटाकसी मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं डंक मारना भी जानता हूं, बवराई नाम है मेरा।